She rings on me when I was so heavy. Pour on a symphony. When I'm low, 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 I'm feeling drunk and high, so high. Hey, what's up guys, I'm Danish Khan here. And in this video, I'm going to show you some products, some gadgets that will launch in the future. तो सबसे पहले यहाँ पे है हमारे पास एक Qualcomm का VR. इसका नेम अभी डिसाइड नहीं हुआ है और ये 2018 के मिड तक लॉन्च हो जाएगा. इसका प्राइस 3000 से लेकर 4000 के बीच में रहेगा. तो मैंने इसे ट्राई किया और इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी. लेकिन इधर हमारे पास एक टफ कॉम्पिटिटर भी है जो कि है HTC. यहाँ पे HTC ने भी अपना एक VR शोकेस किया और दोनों को ट्राई करने के बाद मुझे HTC का VR ज़्यादा अच्छा लगा Qualcomm से. बट यहाँ पे हमें HTC के VR की कोई भी डिटेल्स अभी नहीं प्रोवाइड करी गई हैं. मतलब इसका प्राइस, इसकी लॉन्च डेट अभी कुछ भी नहीं पता चला है. उसके बाद हम मिले एक IP सर्विलेंस कैमरा से और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है VVDN टेक्नोलॉजीज. ये कैमरा स्नैपड्रैगन के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और इसके मैं यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स बता देता हूँ. इसके कुछ मेन फीचर्स हैं, ये एक वीक की बैटरी लाइफ प्रोवाइड करता है, इसके अंदर बिल्ट इन स्पीकर है, ये वाटरप्रूफ है, लाइव वीडियो कैप्चर करता है, इसमें आपको इंस्टेंट फोटोज ले सकते हो और इसमें नाइट विजन भी है. और एक और चीज़, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है. तो उसके बाद हमें मिला एक डिवाइस जिसमें डुअल सिम 4G इनेबल थी. मतलब इसमें सेम टाइम पर दोनों सिमों पर VoLTE इनेबल था. मतलब जैसे कि आप जियो अगर यूज़ करते हो अपने फ़ोन पे तो आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही सिम में VoLTE यूज़ कर सकते हो, बट इसमें दोनों सिमों पे था. बट यहाँ पे अभी एक कन्फ्यूज़न है. इसके ऊपर एक बैनर था जहाँ पे 660 लिखा था, स्नैपड्रैगन 660, बट डिवाइस के पीछे MTK लिखा था. तो ये मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि ये स्नैपड्रैगन का है या फिर MTK पर बेस्ड है, मीडियाटेक पर बेस्ड है, बट अभी इसका कुछ कन्फर्म नहीं है. उसके बाद हम गए वोडाफोन के स्टोर पे. वोडाफोन वालों ने एक ट्रैक्टर शोकेस कर रखा था. यहाँ पर वोडाफोन एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है जिसमें वोडाफोन वालों ने ट्रैक्टर के अंदर एक टेलीमेटिक डिवाइस लगाया है और ऐसा बताया उन्होंने कि इस डिवाइस के अंदर GSM सिम कार्ड की कनेक्टिविटी होगी. कि अगर किसी भी फार्मर को कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है ट्रैक्टर से रिलेटेड या फिर सॉइल या फर्टिलिटी किसी से भी रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डायरेक्ट कॉल सेंटर से हेल्प ले सकता है. उसके बाद हमें मिला एक ड्रैगन ट्रेल ग्लास जो कि ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल है. यस, ऑलमोस्ट. ये ग्लास लावा के कुछ डिवाइसेस में ऑलरेडी आ चुका है और माइक्रोमैक्स के अंदर भी ये बहुत जल्दी आने वाला है. तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. आपको आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करो. और यस, इस वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत. और अभी वीडियो एंड नहीं हुई है, वीडियो को लास्ट तक देखो ब्लूपर्स के लिए. बस आप लोग तो जान ही ले लोगे. अल्लाह भैया, आपको इतना भरोसा है इस पे तो हम इसको ऐसे करते हैं, पीछे बुलेट, आगे से बुलेट आई और पीछे आप पड़ोगे.